पुस्तक धर्म चर्चा ही नहीं धर्म परायणता भी आवश्यक। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य। फ्राइड ने धर्म को एक प्रकार की व्यापक दिमागी बीमारी माना है। वे अपनी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन में लिखते हैं, जब मनुष्य अपने आप को बाह्य प्रकृति और अंतः प्रवृत्ति के झकझोरों का सामना करने में असमर्थ पाता है तो अपनी असहाय अंतः व्यथा को ठंडा करने के लिए धर्म का सहारा लेता है। धर्म अवांछनीय है और काम प्रवृत्ति मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। इन दो प्रतिपादनों से खुले अनाचार को छूट मिलती है। थोड़े कर्मकांडों और यथा प्रचलनों को अलग रखकर देखा जाए तो धर्म विशुद्ध रूप से नीति शास्त्र है। उसमें नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र के अस्तित्व से इनकार कर देना और किनारे पर पड़े हुए सीप घोंघों को ही समुद्र संपदा मान बैठना भूल है। लगभग फ्राइड से ही मिलती जुलती धर्म की परिभाषा साम्यवाद के प्रवर्तकों ने भी की थी। फ्राइड ने उसे दिमागी बीमारी कहा तो साम्यवाद ने शौकियां ग्रहण की जाने वाली अफीम की गोली बताया। दोनों ही कथन धर्म के ब्रह्माचार और धर्म की विकृतियों को देखकर ही लगाए गए प्रतीत होते हैं। यदि उसके अंतरंग में प्रवेश करके वस्तु स्थिति का निराकरण किया होता तो इतनी बड़ी बात कहने का साहस इनमें से किसी को भी न होता। धर्म को अनुपयोगी इसलिए कहा जाने लगा है कि उसमें पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता एवं साधारण कर्म कांडों का अतियुक्तिपूर्ण महात्म्य भर दिया गया है। निहित स्वार्थों से प्रेरित धर्माचार्यों के अंधविश्वास ने ऐसे तत्व धर्म क्षेत्र में घुसेड़ दिए हैं जिनसे उनका व्यक्तिगत लाभ तो खूब होता है पर श्रद्धालु के पल्ले समय और पैसे की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। यदि यह दोष निकाल दिया जाए तो धर्म का नैतिक एवं सामाजिक पक्ष अपने असली स्वरूप में आ सकता है। उसका बुद्धिवाद का हर पक्ष एक स्वर से समर्थन कर सकता है। मनोविज्ञानी धर्म को मनह चेतना पर अनावश्यक और अवांछनीय भार डालने वाला जब बताते हैं तब वस्तुतः उसका मंतव्य उसी धर्म विडंबना की कटु आलोचना करना होता है जो आज पाखंड के रूप में सभी संप्रदायों में समान रूप से अपना रखी है। मनोविज्ञान वेत्ता विलियम जेम्स डीवे तथा जुंग ने धर्म में नैतिक अनैतिक एवं यथार्थ भ्रांत तत्वों के संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कहते हैं जब तक धर्म के शुद्ध और अशुद्ध पक्षों का वर्गीकरण न किया जाएगा तब तक उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जाता रहेगा। उसकी संतुलित विवेचना भी संभव न हो सकेगी और न इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा कि धर्म की उपयोगिता में कितना तथ्य है। स्पष्ट है कि यह समीक्षा धर्म प्रवंचना की ही है। यह धर्म तत्व अपने मूल रूप में परिष्कृत स्तर का बन सके तो उसे मनोविज्ञान दर्शन के आधार पर भी अनावश्यक एवं भारभूत न ठहराया जा सकेगा। धर्म के मूल तत्वों को भूलकर जो स्थानीय और सामयिक धर्म प्रवर्तकों में खो जाते हैं वे ही धर्म को बदनाम करते हैं। पूर्वजों के कुछ आचरण और निर्देश अपने समय में ठीक समझे और कहे जाते होंगे पर बदली हुई परिस्थितियों में उनका यथावत बने रहना संभव नहीं। शाश्वत में धर्म तत्व का मूल दर्शन ही है। उसके आचरण में अंतर होते रहते हैं। यदि तत्व को भुलाकर किसी समय के धर्माचरण को ही मुख्य मान लिया जाए अथवा अमुक धर्म प्रवर्तक की उक्तियां अथवा गतिविधियों को सनातन मान लिया जाए तो फिर धर्म प्रतिगामी ही बन जाएगा और कालांतर में विकृत होकर विग्रह ही उत्पन्न करेगा। धर्म के शाश्वत सिद्धांतों आदर्शों और फलश्रुति को प्रत्येक विचारक ने उपयोगी आवश्यक एवं अनिवार्य माना है। एक बार सर आइजक न्यूटन से उनके एक मित्र ने प्रश्न किया, धर्म के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? तो उन्होंने गंभीर होकर कहा, मुझे नहीं पता मेरे प्रति लोगों की भावनाएं क्या हैं। लोग विद्वान समझें यह उनकी कृपा, किंतु जब मैं अपने संबंध में विचार करता हूं
तो ऐसा लगता है कि अज्ञ अल्प वय बालक की तरह किसी समुद्र के किनारे खेल रहा हूँ। ज्ञान कण जो मैंने पाए हैं वह अथाह सागर की सीपियों की तरह हैं, जो न तो अथाह है न अंतिम। जो अथाह और असीम है वही शाश्वत और सत्य है, उसका रहस्य मैं समझ नहीं पाता हूँ। न्यूटन जैसा महान वैज्ञानिक जब उस असीम सत्ता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका तो उसने अपनी विद्या का अहंकार त्याग दिया, किंतु आज के अल्प बुद्धि व्यक्ति अहंकार के वशवर्ती होकर अपना और समाज का जीवन किस तरह विश्रंखलित कर रहे हैं यह सर्वविदित है। ज्ञान के लिए श्रद्धा आवश्यक है, जो श्रद्धालु नहीं वह धार्मिक नहीं। धर्मवेत्ता के लिए निरहंकार होना आवश्यक है, वह तो कोई और ही शक्ति है जो विश्व की महान व्यवस्था पालन और सृजन में समर्थ है। परमाणु भौतिकी के विशेषज्ञ लीज मितनर कहते हैं, मनुष्य से भी कोई ऊंची शक्ति है, वही परमाणु शक्ति पर नियंत्रण कर सकती है। यह ठीक है कि श्री लीज का कार्यक्षेत्र अणुशक्ति की ही खोज रहा है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे धर्म विमुख हो गए हों। उक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। हम भी तो यही मानते हैं कि परमात्मा परमाणु शक्ति से भी कोई सूक्ष्म सत्ता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियम और व्यवस्था पूर्वक संचालन करती है। पिछले दिनों के धर्मवेत्ताओं की एक महान भूल यह हुई कि उन्होंने विज्ञान को धर्म का विरोधी बनाकर सामान्य जनता को भ्रम में डाल दिया। मानव जीवन की सुख शांति के लिए यद्यपि विज्ञान अपूर्ण है, किंतु वह न तो धर्म विमुख है और न अनुपयोगी। यदि विज्ञान को पूरक मानकर धर्म का विवेचन किया गया होता तो धार्मिक मान्यताओं, आस्तिकता, ईश्वर विश्वास, कर्मफल, पुनर्जन्म, परलोकवाद की मान्यताएं असत्य नहीं कही जाती, वरन उनकी सत्यता के प्रमाण ही निकलते। महान विद्वान वैज्ञानिक माइकल रेगजे आर्क बिशप ऑफ कैंटरबर्ग लिखते हैं, पिछली शताब्दी के इतिहास से मालूम होता है कि धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति अधिक गलतियां कर सकता है, क्योंकि धर्म को सच्चा सिद्ध करने के लिए पूर्वाग्रह का आश्रय लिया गया, जबकि आवश्यकता थी वैज्ञानिक तत्वों के समावेश की। वही बात विज्ञान के लिए भी है, उसे यदि धर्म संगत न बनाया जाए तो वह भी मनुष्य को विनाश की ओर ले जाएगा। धर्म और विज्ञान दोनों को पास पास रहना चाहिए। विज्ञान और धर्म के क्षेत्र अलग अलग हैं। स्वरूप, परिभाषा और कार्य प्रणाली अवश्य है। विज्ञान प्रमाणभूत है, धर्म श्रद्धा का परिणाम, किंतु दोनों का एक मिलन बिंदु है, जहाँ विज्ञान थक जाता है उससे आगे भावनाएं ले जाती हैं, भावनाएं थक जाती हैं वहाँ विज्ञान प्रादुर्भूत हो जाता है। इनमें से न तो अकेला विज्ञान ही और न धर्म ही संतोष प्रदान कर सकेगा, यही बात फिजिशियन आर्थर काम्प्टन ने इस तरह कही है। विज्ञान और धर्म के बीच कोई मतभेद संभव नहीं है। विज्ञान वास्तविकता की खोज का सही तरीका है और धर्म द्वारा जीवन में संतुष्टि का रास्ता खोजा जाता है। विज्ञान निःसंदेह उन्नति कर रहा है, किंतु आज का संसार जो विज्ञानमय है पहले से भी अधिक धार्मिक प्रेरणाओं की आवश्यकता अनुभव कर रहा है, क्योंकि विज्ञानमय जीवन में शांति और संतोष का आनंद नहीं और अधिक की थकावट है। एलिस ने कहा है, मनुष्य के मन और शरीर को आधी व्याधियों ने इसलिए घेरा है कि उसे धर्म का समुचित संरक्षण नहीं मिला। यदि आहार निद्रा की तरह धर्म को भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता माना गया होता तो हम शोक संतापों की विविध विधि व्यथाएं सहने से सहज ही बच सकते थे। संत आगमटान ने मानव की मानव के प्रति कर्तव्य घोषणा को धर्म माना है। सेंट पाल का कथन है, पतन के गर्त से उत्थान के शिखर पर चढ़ने की सीढ़ी को धर्म कहना उपयुक्त होगा। हेम्ब्रोज ने धर्म को दो धाराओं में विभक्त किया है, एक आस्था मूलक, दूसरी व्यवहार पर। आस्था की स्थापना अध्यात्म के आधार पर होती है और आचरण व्यवहार का समीकरण धर्माचरण पक्ष द्वारा किया जाता है। दोनों के समन्वय को धर्म कह सकते हैं।
ईश्वरवाद के सहारे ही धर्म सिद्धांतों की व्याख्या और पुष्टि की जा सकती है। विलियम वेक ने धर्म को आत्मा का कवित्व कहा है। वे कहते हैं, पुराणों के अलंकार में परियों की गाथाएं और जादुई किंवदंतियां भरी पड़ी हैं। इन सब का सार निष्कर्ष यह है कि आत्मा की भाव सरिता यदि उत्कृष्टता की दिशा में बह निकले तो उसका प्रतिफल व्यक्ति और समाज के लिए उतना ही सरल और आकर्षक हो सकता है जैसा कि देवताओं का सौंदर्य, वैभव और कर्तृत्व। ल्यूबा ने धर्म का एक सनातन राजमार्ग बताया है, जिस पर धीरे धीरे चलते हुए मनुष्य जाति विकास के वर्तमान स्तर तक पहुंचने में समर्थ हुई है और भविष्य में अधिक कुछ पाने की आशा कर सकती है। प्लांटिस ने कहा, धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह मनुष्य के मरणोत्तर जीवन का विकास कराती है और दुष्कर्म एवं सत्कर्म के बीच का अंतर बताते हुए उसके दुष्परिणाम सत्परिणाम का निश्चय कराती है। यदि यह मान्यता मनुष्य समाज में से निकल जाए, वह अपने को नाशवान और मर्यादाओं से स्वतंत्र मान बैठे, तो फिर यहाँ हर किसी का व्यवहार पैशाचिक स्तर का हो उठेगा। धर्म का अस्तित्व दोनों एक दूसरे के साथ अत्यंत सघनता के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेजर धर्म को ईश्वरीय आदेश और आत्म तृप्ति का आधार मानते थे। कोमटे की मान्यता थी कि अंतरात्मा के मृदुल रस को बाह्य संसार के साथ समन्वित करके कैसे बहुमुखी सरसता उत्पन्न की जा सकती है, इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकने वाली कला का नाम ही धर्म है। संत डायनासियस का निरूपण यह था कि अदृश्य जगत और दृश्य जगत के परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली धाराओं को एकात्म बना देने वाले महासमुद्र का नाम धर्म है। उसके आधार पर ही विरोध को सहयोग में एवं पृथकता को एकता में बदला जा सकता है। मैक्स मूलर ने अपनी एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजन पुस्तक में धर्म की विवेचना करते हुए लिखा है, धर्म अंतरात्मा की पुकार है जो तर्क और जानकारियों से प्रभावित तो करती है पर उससे प्रभावित नहीं होती। उसका आधार अतींद्रिय है। दिव्य चेतना ही हमें धर्म निष्ठा अपनाने के लिए प्रेरित करती है। विलियम जेम्स ने लिखा है, धर्म एक दूरगामी चिंतन है जिससे व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों की अपेक्षा समष्टि की अपेक्षा समष्टि की सर्वांगीण और सर्वकालीन आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। अल्बर्ट का कथन है, धर्म हमारे भौतिक जीवन को सुखी बनाने में सहायक हो सकता है पर भौतिक सुखों के लिए धर्म का उपयोग करना न तो उचित होगा और न संभव। धर्म एक आध्यात्मिक भूख है जिसे तृप्त करने के लिए भौतिक कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। पास्कल ने कहा है, हृदय के विवेक से धर्म का उदय होता है, उसे मात्र तर्कों की बैसाखी लगाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। कांट ने धर्म की परिभाषा करते हुए उसे ऐसी मानवीय कर्तव्य निष्ठा बताया है जो मस्तिष्क तक सीमित न रहकर अंतःकरण में निष्ठा में घनीभूत हो गई हो। तत्वदर्शियों के उपरोक्त अभिवचनों में धर्म शब्द के अंतर्गत जिस आधार की चर्चा की गई है उसे उत्कृष्टतावादी चिंतन और आदर्शवादी कर्तृत्व के अंतर्गत ही गिना समझा जाना चाहिए। कर्तव्य परायणता का ही दूसरा नाम धर्म है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और सार्वभौमिक जिम्मेदारियों से मनुष्य की उच्छृंखलता को मर्यादित किया गया है। उसे अपने स्तर के अनुरूप सृष्टि संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। धर्म का प्रयोजन इसी मानवोचित शालीनता और कर्तव्य निष्ठा को अक्षुण बनाए रखना है। संस्कृति और संप्रदायों में क्षेत्रीय और सामयिक परिस्थितियों के अनुसार आचार व्यवहार की व्यवस्था रहती है, इसलिए परिस्थिति के अनुसार उसमें बार बार सुधार परिवर्तन करना पड़ता है। पर धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं है, वह शाश्वत और सनातन है। उसका स्वरूप सदाचार, मर्यादा और लोकहित के रूप में चिर अतीत से ही निर्धारित किया जा चुका है। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता कभी भी किसी को भी नहीं पड़ सकती। आज स्थिति यह है कि भगोड़ों में से बहुत से तथाकथित अध्यात्म के
कोंतर में छिपने की कोशिश करते हैं। एकांत में भजन करने और शांति पाने की बात सोचना सर्वसाधारण के लिए उपयोगी नहीं है। यह वैज्ञानिक अन्वेषण एवं अभ्यास का प्रकरण है। अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता के गहरे समुद्र में डुबकी लगाने और वहां से बहुमूल्य रत्न राशि ढूंढ लाने के लिए कुशल पनडुब्बे का सा दुस्साहस करना एक महत्वपूर्ण काम है तो, पर वह बंद तब पड़ता है जब पहले मन को भली प्रकार अग्रहित कर लिया जाए और एकांत में भी रंगमंच जैसा आनंद आने लगे। यह समय साध्य और अभ्यास साध्य है। यह प्रारंभ नहीं, परिपक्वावस्था है। जो लोग आरंभ में ही एकांत ढूंढते हैं और पहले दिन ही समाधि लगाने की बात सोचते हैं, वे भारी भूल करते हैं। व्यायाम शाला में प्रवेश करते ही दंगल जीतने वाला पहलवान कौन बनता है और पट्टी पूजन के दूसरे दिन ही किसके हाथ में स्नातक होने का प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसी बाल बुद्धि से एकाकी आत्म साधना के लिए कुछ लोग भागते हैं। इसके लिए उनकी पूर्व तैयारी तो होती नहीं। जो उत्साह होता है वह भी श्रद्धा जन्य नहीं। जीवन संग्राम की भयंकरता से डरकर कहीं छिपने की पलायनवादी मनोवृत्ति से उत्पन्न हुआ होता है। उसमें न श्रद्धा होती है और न गहराई, फलतः मन वहां भी नहीं लगता। वापस लौटने में उपहास होने की झिझक से एक नया असमंजस और खड़ा हो जाता है। कुछ लोग भजन करने के लिए घर छोड़कर तो नहीं भागते, पर एक विचित्र प्रकार की उदासी धारण कर लेते हैं। यह वैराग्य है तो नहीं, पर कहा या समझा इसी तरह जाता है। यदि उस विषय में गंभीरता पूर्वक कदम उठाए गए होते तो कर्म योग की सनातन प्रक्रिया पहले से ही मौजूद थी। उसे अपनाकर जनक, अर्जुन, हनुमान आदि की तरह उभय पक्षीय कर्तव्य धर्म भली प्रकार सध सकते थे। लोक और परलोक का समन्वय पूर्ण व्यावहारिक है, साथ ही सरल और सरस भी। वैयक्तिक जीवन में आत्म परिष्कार, पारिवारिक जीवन में सहयोगियों का पोषण संवर्धन, सामाजिक जीवन में सद प्रवृत्तियों का समर्थन जैसे उत्तरदायित्व हर किसी के सामने मौजूद हैं। उनका निर्वाह भली प्रकार किया जाना चाहिए। इन तीनों ही मोर्चों पर कर्म कौशल का, शौर्य साहस का, विवेक संतुलन का परिचय दिया जाना चाहिए। इनसे मन हटा लेना और कल्पना लोक में विचरण करके मन को समझाना ऐसा प्रयत्न है जिससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। भाग खड़े होने से समस्याएं और भी अधिक विकराल होती हैं और पहले जितना उपद्रव चल रहा था उसमें और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। मन जिस समाधान को खोजने चला था वह भी भटकाव भरी पगडंडियों में कहां मिलता है। उपेक्षा, उदासीनता की रीति नीति, चैन मिलने में सहायक होने की कल्पना जिसने भी की है उन्हें प्रयोग के उपरांत निराशा ही हाथ लगी है। चर्चा या चिन्ह पूजा तक सीमित धर्म निरुपयोगी ही नहीं, हानिकारक भी होता है। धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था होने का तात्पर्य है जीवन की गरिमा और उसकी श्रेष्ठता पर सुदृढ़ विश्वास, गहरी निष्ठा। इसी प्रेरणा से मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में उदात्त और उदार बनता है। उसमें जिम्मेदारी का भाव जागता है। आस्तिकता के सहारे ही ईश्वर विश्वास को विकसित किया जा सकता है। जब धर्म और अध्यात्म में सजीवता एवं सज्जनता जैसी विभूतियां आदि से अंत तक भरी पूरी हैं, तो फिर उन्हें पलायनवाद का लबादा नहीं पहनाया जाना चाहिए। यदि धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर उसे व्यावहारिक जीवन में उतारा जा सके तो समाज का नव निर्माण संभव है।